इसे मुसा बोलते हैं पहाड़ पहाड़ की संस्कृति में, और इसे बोलते हैं उखली, उखली को बोलते हैं उखो, पहाड़ में उखो बोलते हैं इसको। और ये ठहरा अपना मड़वा, इससे बहुत ताकत आती है। और ये अभी खनने जा रहा है, फिर इसके बाद जाएगा ये चक्की में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो अपने खेतों से हो रही है, फर्स्ट क्लास तरीके से। यहाँ से हमारा गांव का नज़ारा खूब अच्छा दिख रहा है। तो मैं आया था आज यहाँ बकरी चराने के लिए, मतलब बकरी चराने के लिए, बकरियों को देखने के लिए। ये सामने मेरी बकरियाँ चर रही है तो इस प्रकार, और खाने को तो कुछ है नहीं खेतों में, लेकिन फिर भी ये चर रही है। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं चले जाता हूँ, वैसे भी घर में क्या खाली बैठे रहने से अच्छा तो इनको ज़रा देख ले। तो आज मम्मी नहीं तो मैं, कभी कभी अब मैं भी आया करूँगा अपने इन खेतों में। तो आपको तो कभी जंगलों में ले जाता था मैं, लेकिन आज खेतों का टूर देता हूँ थोड़ा बहुत। खेतों में तो आया हूँ मैं, लेकिन खेतों में कुछ है ही नहीं चरने को। लेकिन बकरियों के छोटे छोटे मुँह होते हैं, वो चर लेते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है जो इस प्रकार की। तो ये जो बकरियाँ होती है, बकरी का मुँह जो होता है छोटा होता है, तो वो चर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आया हूँ फिर जंगल में, सॉरी खेतों में, और यहाँ के नज़ारे देखे, ये खूबसूरत पहाड़ और सामने है मेरा गांव ग्राम रौंडाल। और ये सूरज भाई के घर के नीचे हूँ मैं, इतना ज़्यादा दूर गया हूँ मैं, ऐसे नज़दीक ही गया हूँ अभी। वो नीचे चल ले चलते हैं आप सभी लोगों को। पहले हम यहाँ बकरियाँ चराते थे बहुत, लेकिन अब कहाँ, अब कभी कभी आना होता है, इतना चराने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन वो सामने जो जंगल है वहाँ भी गया हूँ मैं बहुत बार, और अभी तो फ़िलहाल यहीं हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये बकरियाँ इस साइड चल रही है, क्योंकि मुझे आगे खड़ा होना है, क्योंकि कोई बकरियाँ आगे नहीं चले जाए मेरे से, तो इनको यहीं चरने देता हूँ और इनसे पहले मैं आगे चले जाता हूँ। तो एक बकरी तो मेरी वहाँ नीचे चल रही है, और बाकी ये छोटी छोटी पटिया और कुछ वो काफ़ी लोगों के वहाँ हैं, और बाकी कुछ ही झाड़ियों में चले गए हैं। और ज़्यादा दूर भी इनको भेजना बेकार है, क्योंकि सामने पड़ता है भयंकर सुंदरवन डेल्टा, सॉरी भयंकर जंगल पड़ता है सामने। ये देखिए इतना बड़ा जंगल है, अगर ये गलती से भी वहाँ चले गए तो वहाँ बहुत बाघ का आदम है, और बहुत मतलब खतरा है वहाँ ले जाने में। पाठी ये मेरे को बहचाने लग गई, तो वहाँ बहुत खतरा है, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ चराता हूँ जरा देर। और ऐसे ऐसे झेड़ी में चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता इनका। तो हमारी एक दो बकरियाँ तो गायब हो गई भाई, छोटी छोटी पटिया तो ये है मेरी, और बड़ी वाली कहाँ गई जो सबसे चोर है। तो कोई नहीं, मैं सामने चलता हूँ, सामने से सब बकरियाँ दिख जाएगी मेरे को। तो आज का मौसम का अपडेट देते हैं। सबसे पहले मौसम तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, और फर्स्ट क्लास की धूप आई है पहाड़ों में खिलखिलाती हुई, और मैं भी इन पहाड़ों के बीच खेतों के बीच आया हूँ आज की ब्लॉग की शुरुआत देने और डेली ब्लॉग के अपडेट से। और डेली ब्लॉग आप सभी को पता ही ठहरा, मेरा डेली ब्लॉग चल रहा है, तो डेली ब्लॉग पर थोड़ा प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, क्योंकि हम अपने चैनल में, मैं अपने चैनल में डेली ब्लॉग करना चाहता हूँ। हो सकता है कितने दिन तक हो जाए, मतलब ऐसे मैं इस महीने, आज एक तारीख है, एक तारीख, वैसे भी तो मैं डेली ब्लॉग चल रहा है 24 से मैंने शायद रेगुलर वीडियो डाली है, लेकिन इस महीने एक तारीख से जो ये महीने का लास्ट है 28 चलेगा, पूरी वीडियो डालेंगे। ये देखिए और खूबसूरत पहाड़ यहाँ है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब इनमें मेरे को चलाने, लेकिन इन झाड़ियों में भी डर ठहरा, और इन झाड़ियों में भी डर ठहरा कि इसमें कभी बाघ नहीं निकल जाए, क्योंकि हाल ही में बाघ इन्हीं खेतों से ले गया था एक बछड़े को, तो अभी तो ये खास बकरिया ही है। तो ये देखिए खूबसूरत पहाड़ हमारे, ये बकरिया है ना, इनसे पहले मेरे को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को सब दिख रही है यहाँ से। अगर मैं इनके पीछे पीछे रहूँगा तो मेरे को एक भी नहीं दिखेगी, और ये झाड़ियों में पता भी नहीं चलेगा, और फिर ये झाड़ियों का पता भी नहीं, इसमें शाव हाव का भी डर है। ज़रूरी नहीं है यहाँ बाघ का डर हो, लेकिन यहाँ होता है, और अन्य जानवरों का भी डर रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको बाघ ही नुकसान करे। मतलब जंगल में जाओगे आपको अलग अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, सुअर हो गया, ये भी नुकसान पहुँचाता है इंसानों को, और हो गया तुम्हारा बाघ तो आप ठहरा ही, और वगैरह जैसे कि, और बहुत सारे जानवर ठहरे तो उनका भी डर ठहरा। तो फाइनली यहाँ तो ये देखिए बकरिया हमारी आ गई है, और हमारे जंगलों में भालू तो नहीं होता है खैर, बाकी चिड़ियाघरों में मिल जाएगा आपको अल्मोड़े में भालू, अगर देखना है तो, यहाँ जंगलों में नहीं मिलता है।
हमारे जंगलों में तो खासकर नहीं मिलेगा, हमारे जंगलों में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा बाघिन, क्योंकि बहुत शिकार करती है इन बकरियों का और हमारी खूबसूरत गायों का। तो चलिए, यहाँ तो जितना था उतना दिखा दिया है मैंने, और सामने को चलते हैं नीचे को, क्योंकि आगे भी जाना मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि पीछे जो बकरियाँ है वो आगे चले जाएंगे तो शायद जंगल की ओर भी जा सकती है। तो पीछे है भाई, तो मेरे पीछे मत आ, ठीक है? तो मेरे को आराम से आगे आगे जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा ऐसे झेड़ी के अंदर से। ये किसका है, तो किसका है रे? चलो कोई नहीं, आते रहे मेरे पीछे से, मेरे को आगे आगे निकलना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, और पहले ऐसे गहरा पानी आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आता है कभी, सब सूखा पड़ रहा है धीरे धीरे करके। अब पहाड़ों का ऐसा हाल हो रहे, तो आप समझ लो शहरों में क्या होगा। क्यों, अब मैं जिस हिसाब से पहाड़ों में रह रहा हूँ उस हिसाब से आप सभी को अपडेट बताते रहूँगा ना कि क्या कमी हो रही है। हमारे गाँव में तो देखो सारे खेत सूख गए हैं नीचे के, इनमें क्या रुपाई होती थी इनमें, और नीचे जो टैंकी थे वो टैंकियों में भी फुल फुल पानी रहता था, जो नीचे सामने खेत देख रहे हो इन्हीं खेतों में होती थी रुपाई। यहाँ से पूरा सबके खेत पानी से भरे रहते थे, और इतने मोटे मोटे नाले जाते थे नीचे खेतों में, वो नीचे जा खेत है, लेकिन अब सब बंजर पड़ गए हैं, सब ने छोड़ दिया है ऐसे सुअरों के डर से भी, और ऊपर से तुम्हारा ये पानी नहीं आने के चक्कर में। पानी तो वैसे नॉर्मल आ ही जाता है कभी कभी, लेकिन खेतों के लिए रुपाई के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए, तो ये थोड़ा कमी है इसमें। तो बकरियां तो आ गई है मेरे पीछे पीछे आ रही है, कुछ बकरियां नीचे से आ रही है, कुछ बकरियां मेरे पीछे पीछे से आ रही है, लेकिन ये सही है। और ब्लॉग मैंने डाल दिया है, देखना फिर, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। डेली ब्लॉग का सोचा है आपके भाई ने, पहाड़ी भाई ने, तो डेली ब्लॉग में ऐसा ही होता है कि जितना पहाड़ के मेरे से हो सकता है मैं उतना दिखाता हूँ, आसपास की चीज़ें जो बताने लायक होता है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए, हो सकेगा कल को बड़े आपने एक बड़ी फैमिली बना दी, तो हम क्या पता कल को अलग अलग जाके अलग अलग ट्रैवल करके कि आपको अलग अलग जगहों का एक्सप्लोर करें और अलग अलग जगहों को दिखाए कि यहाँ की सुंदरता कैसी है। वैसे तो अभी हम गाँव में ही हैं, और ज़्यादा अभी कुछ उतना बजट भी नहीं हमारे पास घूमने को, लेकिन नॉर्मल ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कल को एक बड़ी फैमिली बनेगी, तो इसमें आप सभी लोगों को ट्रैवलिंग ब्लॉग तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, अभी वैसे हमने कुछ प्लान कर रखा है, तो सोचते हैं कहीं बड़ी जगह जाने की, तो देखते हैं, चलो जाएंगे तो आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो चलो ठीक है, तब तक आप कुछ सिनेमैटिक शॉट देखिए, क्योंकि हमें सब बातें करने नहीं, पहाड़ों का सीन देखना भी, पहाड़ों का खूबसूरती देखने का भी मौका मिलना चाहिए आप सभी को। तो चलो आप जब तक कुछ शॉट देखो पहाड़ों के, कुछ पेड़ों के, कुछ हमारे इन खूबसूरत गाँव के, ठीक है? तो चलो और देखिए सामने घरों के पीछे हिमालय कितना प्यारा दिख रहा है। अगर ये हिमालय इसके पीछे होता घरों के पीछे कितना प्यारा लगता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैमरे में कि ये हिमालय जो होगा इसी के पीछे होगा, लेकिन ये हिमालय बहुत दूर है। ये देखिए, और मैं इतनी दूर से इसको जूम कर रहा हूँ, और नीचे तक हमारा गाँव है पूरा, आज दिख रहा है पूरा गाँव, देखिए वो नीचे दिख रहा है, अभी इससे भी थोड़ा नीचे और है, लेकिन ये देखें ये ऊपर तक, ये सामने ऊपर, तो ये देखिए यहाँ ख़त्म होता है हमारा गांव इससे करके, और ऊपर रोड साइड है, तो ऐसे हम नीचे से आते हैं ऊपर ऊपर को, ये इधर से रोड पड़ती है,
वहाँ से हमेशा आपको ब्लॉग देखने को मिलते होंगे इस साइड के, लेकिन आज इस साइड से ऊपर साइड की ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है हमारी गाँव की कुछ इस प्रकार की खूबसूरती, हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। और सामने पड़ता है आपका पता ही ठहरा बरसिमी गांव। मैं भी व्यूअर्स को बता देता हूँ, बरसिमिया लोधी। तो दोस्तों, यहाँ मंडुआ खाना जा रहा है आज के दिन, और पहले वाले ब्लॉगों में देखा होगा आप सभी लोगों ने, ये मंडुआ खाना जाता है हमारी ओखली में, जो कि हमारे घर में ही है, सब यहीं होते हैं। तो जो इसे खन्ना बोलते हैं, अभी जो कूट रहे ना उसे खन्ना बोलते हैं। तो खन तो लिया है ये, फर्स्ट क्लास से इसको इसकी छटाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से ऐसे होता है सूप के द्वारा। ये देखिए, ये ऐसे कुछ पहाड़ी लाइफस्टाइल होते हैं, और पहाड़ी औजार यही है। ये देखिए जो ये है ना, ये है मूसव, ये धूल भी बहुत बड़ी, ये है मूसव, इसी से ही खाना जाता है। ये है लकड़ी का बना हुआ, लेकिन नीचे से लोहे का है ये, और कुछ इस प्रकार यहाँ इसको किया जा रहा है, लेकिन धूल बहुत हो रही है। और ओखली दिखाते हैं आप सभी लोगों को, ओखली जो है हमारी वो यहाँ है, कहाँ से, अच्छा ये है ओखली। तो ओखली भी ऐसे पत्थर की बनाई जैसी है, जैसे डाशी बोलते हैं ना, मजबूत पत्थर की बनाई जाती है ये, क्योंकि ये टूटे ना खन्ने में। तो बहुत भयंकर पत्थर की बनाई जाती है, जो कि लोहे के उसमें से जोर से मारने में भी नहीं टूटती है। इस प्रकार का मड़वा है, तो जब तक इसको पूरा लाल नहीं होने देते हैं ऐसे ही, तो तब तक इसको निकालते नहीं। अब तो ये निकल गया है फर्स्ट क्लास से, ये देखिए। और जैसे ही पहाड़ों में ना मड़वे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही मड़वे को खाना जाता है। तो अभी जैसे हमें है मड़वे की रोटी आज से बनेगी, और ये मड़वा बिल्कुल लाल हो रखा है देखिए, और इसको आज खाना गया है इसमें। तो इस प्रकार की कुछ ओखली होती है, आप बाकी तो बता दिया है इसके बारे में। तो इसको खाने के लिए चाहिए मूसव, जो इसका औजार होता है उसे मूसव बोलते हैं पहाड़ की संस्कृति में, और इसे बोलते हैं ओखली। ओखली को बोलते हैं उखो, पहाड़ में उखो बोलते हैं इसको। और ये ठहरा अपना मड़वा, इससे बहुत ताकत आती है और खाने में भी सही रहता है। अक्सर पहाड़ के लोगों ने मड़वा तो खाया होगा, इस प्रकार का होता है मड़वा, तो हमने भी खाया ही है। और ये अभी खन्ने जा रहा है, फिर इसके बाद जाएगा ये चक्की में फर्स्ट क्लास से पीसने के लिए। तो इसका वेट है, मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। एक वीडियो और है उसको भी देखना, उसमें भी इसके बारे में बता रखा है मैंने पिछले वाले ब्लॉगों में, लेकिन आज को स्पेशली ज़्यादा ही लाल हो रखा है मड़वा। ये देखिए भगी भाई आ गए, भगी हेलो बोल दे। ये देख, ये भाई आ गया है स्कूल से, अपना स्कूल गया था ना, वो ऊपर सामने कितने में पढ़ता है रे तू, कितने में पढ़ता है तू, आठ में लाए गया तू। तो भगी भाई चले गए हमारे आठ में, एट्थ में चले गए, अगली बार नाइन्थ होगा फिर टेंथ।